हरियाणा की एचटेट परीक्षा ने एक बार फिर सरकार की व्यवस्था की पोल खोलने का काम किया है। आज एचटेट परीक्षा को लेकर भारी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे, लेकिन सरकार के सिस्टम ने जहां परीक्षार्थियों को परेशान किया, वहीं चेकिंग सिस्टम को भी बेहाल कर दिया। आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हिसार के कृष्ण परनामी स्कूल की हैं, जो एचटेट का परीक्षा केंद्र था। इस परीक्षा केंद्र में आप देख सकते हैं कि 2:30 बजे तक परीक्षार्थियों की चेकिंग के लिए कतार लगी हुई है। सरकार के फैसले के अनुसार 12:50 से लेकर 2 बजे तक ही एंट्री होनी थी, उसके बाद किसी परीक्षार्थी की एंट्री नहीं हो सकती थी। लेकिन आप 2:30 बजे की तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गेट के बाहर परीक्षार्थी खड़े हुए हैं चेकिंग के लिए। ये सिस्टम की नकारापन का प्रतीक है, ये सरकार की व्यवस्था का पोल खोलने का प्रतीक है, और इसे साबित हो गया कि सरकार बार बार के दावों के बावजूद परीक्षाओं को सही तरीके से लेने में फेल रहती है। आज भी यही हुआ। आज श्री कृष्ण परनामी स्कूल में लगभग 600 परीक्षार्थियों की व्यवस्था की गई थी, जबकि वहाँ पर क्षमता 200 छात्रों की थी। चेकिंग के लिए पहले से ही समय तय था कि 12:50 से लेकर 2 बजे तक परीक्षार्थियों की चेकिंग होगी, उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा और 3 बजे परीक्षा शुरू होगी। लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 12:45 बजे जहां 201 परीक्षार्थी कतार में थे, वो 2:30 बजे तक भी कतार खत्म नहीं हुई थी। यानी सरकार का जो टाइम तय था 2 बजे का, उसके बाद आधे घंटे बाद भी परीक्षार्थी बाहर चेकिंग के लिए गेट के बाहर खड़े थे। मजबूरी में परीक्षा के कारण चेकिंगकर्ताओं को परीक्षार्थियों को बिना चेकिंग के अंदर जाने के आदेश देने पड़े। ये एक लापरवाही कही जाएगी, ये एक सिस्टम की मजबूरी कही जाएगी, ये सिस्टम का फेल्योर कहा जाएगा। आखिर क्या कारण है कि सरकार परीक्षाओं को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रही है? बार बार सरकार की फजीहत होती है, और एचटेट परीक्षा में एक बार फिर से आज साबित हो गया कि सरकार ने पिछले फेल्योर से कोई सबक नहीं लिया, और इसलिए आज एचटेट की परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों कैपेसिटी के अनुसार परीक्षा केंद्र लोड नहीं किए गए? आखिर क्यों चेकिंग स्टाफ को प्रचुर मात्रा में तैनात नहीं किया गया? आखिर क्यों चेकिंग के लिए सही सिस्टम को नहीं अपनाया गया? छात्रों को 1 घंटे तक वहां पर बाहर कतारों में खड़ा होना पड़ा, फटाफट भागकर परीक्षा केंद्र में अपना कमरा ढूंढना पड़ा, अपनी सीट ढूंढनी पड़ी, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार पूरा सिस्टम है, क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी कि इस बार परीक्षा में परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें बताते हैं कि सरकार का सिस्टम एक बार फिर से फेल साबित हुआ है, और उसने सरकार की पोल खोलने का काम किया है। सरकार के इस नकारा सिस्टम के कारण ही हर बार परीक्षा में परीक्षार्थियों को भारी परेशानी होती है, और पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान लगता है। सरकारी सिस्टम की पोल खोलने वाली खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए खरी खरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।